गाइस KGF और RRR मूवी ने साल 2022 में जितनी मिलकर कमाई की थी उतनी कमाई तो बॉलीवुड की 50 फिल्में भी मिलकर नहीं कर पाई। जी हां गाइस, साल 2022 में बॉलीवुड की 50 फिल्में रिलीज हुई थी और ये सभी फिल्में सिर्फ 2000 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई, जो कि KGF और RRR के टोटल कलेक्शन 2400 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए कम है। यही नहीं, ये आंकड़ा इतना ज्यादा कम है कि कोरोना के टाइम पर भी जब थिएटर बंद थे तब भी बॉलीवुड ने इसे डबल कमाई की थी। वहीं अगर टॉप फिल्मों की बात करें तो इसमें से सिर्फ 5 फिल्में ही ऐसी थी जो कि हिट हुई, जिसमें से द कश्मीर फाइल, दृश्यम 2, ब्रह्मास्त्र, गंगूबाई काठियावाड़ी और भूल भुलैया 2 जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। हालांकि इनमें से भी कोई भी फिल्म ऐसी नहीं है जो कि 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाई हो, लेकिन फिर भी इन 5 फिल्मों ने लगभग 1000 करोड़ की कमाई कर ली थी, जो कि बॉलीवुड की टोटल कलेक्शन का आधा हिस्सा है। मतलब साफ है कि 2022 में बॉलीवुड पर बॉयकॉट ट्रेंड बहुत ज्यादा भारी पड़ा था। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जिसके कारण बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं बढ़ पाया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए टू मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको भी ये लगता है कि बॉलीवुड वाले हमेशा साउथ फिल्मों की चोरी करते हैं और साउथ वाले नई फिल्में बनाते हैं? तो आप गलत है, क्योंकि साउथ वालों ने भी कई बॉलीवुड फिल्मों की कॉपी की है और उनसे करोड़ों रुपया छापा है। जी हां गाइस, इसमें सबसे पहली फिल्म है संजय दत्त की मुन्ना भाई MBBS, जिसे साउथ इंडस्ट्री ने एक नहीं बल्कि दो भाषाओं में कॉपी किया है। तमिल में जहां इसे वसूल राजा MBBS के नाम से कॉपी किया गया, तो वहीं तेलुगु में इसे शंकर दादा MBBS के नाम से कॉपी किया गया। नंबर 2 पर है सलमान खान की दबंग, जिसे तमिल भाषा में उस्ते नाम और तेलुगु भाषा में गब्बर सिंह के नाम से कॉपी किया गया। नंबर 3 पर है आमिर खान की 3 इडियट्स, जिसे तमिल भाषा में नंदन नाम से कॉपी किया गया। और ऐसा सिर्फ आज के समय से ही नहीं हो रहा, बल्कि 80-90 के दशक में सुपरस्टार रजनीकांत ने अमिताभ की कई फिल्मों को कॉपी किया था। गाइस, मतलब साफ है कि जो हालात आज बॉलीवुड के हैं, वैसे कभी हालात साउथ के भी थे। सब समय की बात है, वक्त अच्छा और बुरा आते रहता है, इसलिए बॉलीवुड के अच्छे वक्त का इंतजार करिए और कभी-कभी अप्रिशिएट भी कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवी लिखिए और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं।